हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पिंकी विश्वास एंड आप देख रहे हैं पिंकी विश्वास बायोलॉजी। और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये फोर्थ पार्ट रहेगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड समझा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने दिया है, देखिए। अब आप लोगों को थोड़ा, जो लास्ट वीडियो देखा है उन लोगों को थोड़ा पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, जो न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड, में जिसको बोल रही थी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो यहाँ पे ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट, ये नाइट्रोजनस बेस और ये आपका पेंटोज शुगर, ये इतना से मिलकर ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, तीन बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड की क्या है, लंबी सी पूरी चेन बना के क्या बन जाती है, डीएनए बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली चेन होगी, दूसरा वाला उसके ऑपोजिट वाला जो चेन होता है ये कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल, नेक्स्ट वाला कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। मतलब मैं अगर इस उंगली को ऐसे सीधा करके रखूंगी तो दूसरा वाला कैसा होगा, इसके ऑपोजिट वाला एंटी पैरेलल होगा। देखिए ये सीधा है, इसका कौन सा नंबर, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ नंबर कार्बन है। ठीक है, इसमें मैं गिनाऊ आप लोग को, देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ नंबर कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका सीधा है और ये कैसा हो गया, इसको उल्टा कर दिया है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। इसलिए डीएनए को क्या बोला जाता है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड से फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दो न्यूक्लियोटाइड, मैं यहाँ पे एक बॉन्ड आप लोगों को बताई थी किसके किसके बीच में, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में, जो क्या बॉन्ड बना रहा था आपका, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में, जब शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एसिड और शुगर के बीच में जब कोई बॉन्ड बनता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। उसके बाद आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड था, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोल रहे थे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये क्या था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला जो फॉस्फेट है, नेक्स्ट वाला फॉस्फोरिक एसिड से कौन सा कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, यहाँ पे क्या था आपका H, और यहाँ पे क्या था OH, यहाँ पे क्या था H, सेकंड नंबर, क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर था, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप नहीं था, सॉरी OH नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है आपका, ये H और ये OH। तो यहाँ का जो OH है और फॉस्फेट का, और फॉस्फेट का जो OH है, ये दोनों मिलके पानी को निकालेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, कौन से नंबर, तीसरे नंबर कार्बन और फॉस्फेट से, तो फिर यहाँ पे क्या बना जाएगा, ये भी एस्टर बॉन्ड बना देगा। तो ये दोनों को मिला के हम लोग एस्टर बॉन्ड नहीं बोल के, ठीक है, आपका इसका देखिए, ये जो फॉस्फेट है इसके लेफ्ट हैंड में एक बॉन्ड, और फिर एक क्या कर रहा है, देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, इधर आपका तीसरा नंबर कार्बन से एक अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर एक फोर्थ में से एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक और ये एक, इन दोनों को हम लोग साथ में मिला के कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डाइएस्टर। एस्टर बॉन्ड सिंगल वाला, दो बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि फॉस्फेट क्या है, एक आगे और एक पीछे, मतलब एक ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ा है और एक नीचे न्यूक्लियोटाइड को पकड़ा है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते चला जाएगा और ये आगे और अपनी लंबी चेन बनाता जाएगा। ये हो गया, ये इसका फॉस्फेट हो गया, और इधर ये इधर पकड़ा हुआ होगा, इधर से नाइट्रोजनस बेस क्या करेगा आपके, एंटी पैरेलल होगा, बता दी हूँ। अब ये एंटी पैरेलल वाला क्या करेगा, फर्स्ट नंबर कार्बन में क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका जो फिफ्थ नंबर कार्बन पे क्या रहेगा, फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। और इसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और एक फिफ्थ। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का जो अल्कोहल ग्रुप है, वहां से फिर ये फॉस्फेट क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड, यही वाला, सेम वाला, कौन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से क्या करता है, आपकी न्यूक्लियोटाइड आपस में जॉइंट रहता है। इसी के चलते आपका जो शुगर और फॉस्फेट को
किसको किसको, ये आपकी पेंटोज शुगर और फास्फेट, ये शुगर और फास्फेट को दोनों साइड होता चलने के कारण इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए इन शुगर एंड फास्फेट। ठीक है, आपका डीएनए का जो बैकबोन है उस किसको कहा जाता है, शुगर और फास्फेट को बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाली क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी एक तरफ। ठीक, अच्छा इसमें और एक क्या बात देखनी है, जो आपकी 5' एंड या फिर 5' और 3 3' होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में लेफ्ट में हम लोग देखेंगे तो इसका जो 5th कार्बन है यहाँ पे जो फास्फेट है वो फ्री हो जाता है। फास्फेट क्या हो जाता है, फ्री, क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है। इसके नीचे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, थर्ड में क्या है आपका OH फ्री हो जाता है, क्योंकि इस OH को जोड़ने वाला दूसरा कोई यहाँ पे फास्फेट नहीं होता है। मतलब एक चेन, जो डीएनए की चेन है, एकदम एंड और एकदम पहले वाला। तो पहले में कौन सा, 5th नंबर में आपका फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट फ्री हो जाएगा, और 3rd नंबर कार्बन पे क्या फ्री हो जाएगा, OH फ्री हो जाएगा। तो कौन सा कार्बन नंबर फ्री हो रहा है, इधर 3 और इधर 5, जिसके चलते ये वाला जब 5 एंड फ्री होगा, 5th नंबर कार्बन फ्री होगा, फास्फेट फ्री होगा, तो इस एंड को हम लोग 5 एंड बोल देंगे। और जब इसका 3 एंड फ्री होगा, मतलब तीसरा कार्बन फ्री हो जाएगा, तीसरे कार्बन पे कौन अटैच्ड है, OH जुड़ा हुआ है, तो OH जैसे फ्री हो जाएगा तो इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे, 3' एंड बोल देंगे। ठीक है, सेम इसके इसमें अगर देखेंगे, इसमें देखिए इसका जो 3rd नंबर है, 3rd में इसका OH फ्री हो जाएगा, 3rd में क्या है, OH रहता है, 3rd में OH फ्री हो जाएगा। ठीक, तीसरे कार्बन पे तो ये हमारा कौन सा एंड हो जाएगा, 3' एंड। उसके बाद लास्ट वाला कौन सा, देखिए आपका फिर से 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5th नंबर पे कौन फ्री हो जाएगा, आपका फास्फेट फ्री हो जाएगा। तो जैसे ये फास्फेट फ्री हो जाएगा तो ये हमारा एंड कौन सा हो जाएगा, 5' एंड। ठीक है, तो 5, 3, इधर आपका 3 और इधर आपका 5। तो इस तरह से क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए आप लोगों के नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यही वाला स्ट्रक्चर को क्या है, हम लोग वॉटसन और क्रिक के मॉडल में पढ़ते हैं। तो वॉटसन और क्रिक ने देखिए क्या बताया है, वॉटसन और क्रिक ने क्या बोला है, इसमें देखो हम लोग वन टर्न में पढ़ेंगे, वन टर्न में क्या क्या होता है। ठीक है, आपकी वन टर्न में, ये एक टर्न मतलब आप लोग समझिएगा, जैसे कोई भी रिबन ले लो, उसको एक बार बस ट्विस्ट कर लेना, एक बार बस घुमा देना है, तो उसको वन टर्न बोलते हैं। तो एक टर्न की आपकी लेंथ, इसको याद करनी है, वॉटसन और क्रिक ने बताया है क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल, इसको और क्या बोला जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डीएनए आपका क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, आपकी सीधा वाला जैसे सीढ़ी है, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक, ऐसे सीधी वाली सीढ़ी, तो सीधी वाली सीढ़ी को क्या कर लो, ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं, तो ट्विस्ट कर लेते हैं जैसे, हमारा क्या बोल जाता है, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल बन जाता है। तो इसमें आपकी, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक टर्न, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल देते हैं, एक टर्न। तो एक टर्न की जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ आपको याद करनी है क्या है, आपकी 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, टोटल आपकी क्या रहती है, 10 बेस पेयर। ठीक, आपकी देखिए ये आपका, ये बीच में मैंने जो गोल गोल बनाया है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, देखिए ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और ये शुगर फास्फेट की बैकबोन, और इधर शुगर फास्फेट की बैकबोन है। ठीक है, तो आपकी टोटल मिला के देखिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, टोटल मिला के 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे। ठीक है, 10 हो गया, और देखो 10 ऐसे हैं, अगर इधर का और इधर का अलग जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 नाइट्रोजनस बेस या फिर 20 नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। और आपका 34 एंगस्ट्रम क्या है, टोटल आपकी 10 की, टोटल यहाँ पे कितने हैं, 10 है ना, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। तो एक के बीच की जो लेंथ है उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक का डिस्टेंस कितना निकल जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो वन टर्न में टोटल हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी 34 एंगस्ट्रम, कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। ठीक है, एक एक बेस पेयर के बीच की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक, तो ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, किसने दिया था आपका, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल इसको बोला जाता है। ठीक, बैकबोन कौन है आपकी, शुगर एंड फास्फेट। ठीक, सो आई होप आप लोगों को डीएनए समझ में आ गया होगा, समझ में आने से प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा। सो और चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।